Hi everyone, welcome to video number 5 of your chapter 2 of EIS, and I don't need to introduce myself as you are following me till here. That means you are already aware of my name. Okay, so let's start with technical concepts. Now technical concepts naam se hi pata lag raha hai ki computer system jo hamara accounting system hai uske technical concepts. So we are going to understand technical concept from the perspective of a non-technical person or a layman. ये जो हम टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वील लर्न दी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम बट विद अ व्यू पॉइंट ऑफ नॉन टेक्निकल पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज़ अनअवेयर ऑफ दोज टेक्निकल पॉइंट्स ऑफ दोज टेक्निकल इंफॉर्मेशन ओके ऑफ दैट टेक्निकल इंफॉर्मेशन सो वील स्टडी ऑल द टेक्निकल पॉइंट्स विद द व्यू पॉइंट ऑफ अ लेमैन सो working of any software if we look at its technical perspective if we look at it a technical point so there are basically three words used here user front end and back end three words use hote hain user front end back end agar hum ek software ke technical concepts ki taraf dekhe so what are these are technical concepts and agar hum isko layman matlab simple language mein agar hum dekhe तो ये क्या होते हैं फ्रंट एंड जो होता है वो पार्ट होता है ओवरऑल सॉफ्टवेयर का जो कि यूज़र के साथ में बात करता है यूज़र के साथ में इंटरैक्ट करता है मतलब जब भी यूज़र जो यूज़ कर रहा है उस कंप्यूटर को जब भी वो कुछ इनपुट करता है तो जो रिप्लाई करता है दैट इज़ द फ्रंट एंड तो वो पार्ट जो हमें रिप्लाई करता है दैट इज़ फ्रंट एंड एंड हु इज़ यूजिंग द सॉफ्टवेयर उसको ये जो रिप्लाई करता है दैट इज़ फ्रंट एंड हु एक्चुअली इंटरेक्ट्स विद द यूज़र एंड बैक एंड क्या होता है जो कि पीछे से ही अपना काम कर रहे ही डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द यूज़र इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपकी स्टडी मटेरियल में गिवन है वो है एंड या आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी नोट्स इन द PDF फॉर्म बिकॉज ऑलरेडी आई एम यूजिंग योर स्टडी मटेरियल सो आई डोंट नीड टू स्कैन एंड अपलोड इट राइट सो प्लीज़ ओपन अप योर बुक्स एंड देन वॉच माई वीडियो एंड फॉर द वॉइस आई एम रियली वेरी सॉरी एक्चुअली आई एम नॉट वेरी वेल माई थ्रोट इज़ नॉट वेरी वेल सो दैट इज़ वाई you might be feeling some difference in my voice but please bear me okay so let's move on to this example isme jo aapka example hai usme hai ki jo user hai usko customer mana hai is example mein ek restaurant ki baat ho rahi hai jahan pe jo hamara customer hai matlab hum log jab restaurant mein khana khane jate hain to customer hote hain wahan ke to user jo hai wo customer hai and jo front end hai wo waiter hai जब भी आप जाके बैठते हो रेस्टोरेंट में टेबल पे तो आपको मेन्यू कार्ड जो होता है उसको उठा के करते हो फिर उसके बाद में कौन आता है आपके पास में वेटर आता है कि सर या मैम व्हाट इज़ योर ऑर्डर फिर उसके बाद में आप अपना ऑर्डर उसको लिखवा देते हो फिर वो किसके पास जाता है आपका ऑर्डर लेकर कुक के पास में जो भी आप लोगों ने वैराइटीज़ ऑर्डर करी होती हैं वो सब उसको प्रिपेयर करानी होती है तो किससे प्रिपेयर कराता है वो कुक से जो किचन में खाना बना रहा होता है फिर उसके बाद में जब खाना बन जाता है तो कुक क्या करता है वेटर को दे देता है फिर वेटर जाके कस्टमर को मतलब हम लोग को या जो भी लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं उन्हें वो पास कर देता है तो उसमें यही है कि कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करता है वेटर रिसीव करता है कुक प्रोसेस होता है ये सब आप रीड कर लेना अब इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखें जो कि हमें एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से समझनी है तो क्या है इफ़ अ यूज़र वांट्स टू हैव सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम दैट इज़ द बैलेंस शीट तो वो क्या करेगा अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सिस्टम से सिस्टम ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ व्हाट इज़ सिस्टम सो इसमें है कि अगर उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी सो व्हाट ही विल डू ही विल इंटरैक्ट विद द फ्रंट एंड क्योंकि वो क्या करता है वो ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रहा है यूज़र के साथ में तो अगर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कौन बात करेगा उसे कौन रिप्लाई करेगा उसका फ्रंट एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड रिक्वेस्ट फ्रंट एंड टू जनरेट द रिपोर्ट एंड रिक्वेस्ट करेगा यूज़र फ्रंट एंड को कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड प्लीज़ जनरेट द रिपोर्ट मतलब ये सब मैं आपको ऐसे बता रही हूँ बट ये सब किससे होता है कमांडिंग से होता है हम लोग क्लिक करते हैं हम लोग इनपुट करते हैं राइट फिर उसके बाद में फ्रंट एंड को इंस्ट्रक्शन मिल गया यूज़र से कि उसको क्या चाहिए उसको रिपोर्ट चाहिए will receive the instruction from user and फिर वो किसके पास चला जाएगा फ्रंट एंड क्या है आपका वेटर है वो किसके पास जाता है कुक के पास में तो वो चला जाएगा बैक एंड के पास में कि भाई आपके यूज़र को रिपोर्ट चाहिए अब बैक एंड क्या करेगा बैक एंड के पास में जो भी डेटा होगा उसको प्रोसेस करेगा एंड रिपोर्ट बनाकर उसको दे देगा
फिर रिपोर्ट किसको देता है? कुक क्या करता है? कुक वेटर को दे देता है जब खाना बन जाता है। तो इसी तरह से जो आपका बैकएंड है वो क्या करेगा, फ्रंट एंड को दे देगा रिपोर्ट, फिर जाके फ्रंट एंड क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा सारी की सारी रिपोर्ट यूज़र के सामने। तो ऐसे चलता है हमारा प्रोसेस। अब इसकी नीड क्या है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड की नीड क्या है, बैक एंड एंड फ्रंट एंड? अब इमेजिन आप खुद ही कर सकते हो, अगर कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पर उसी बंदे को खाना बनाना है, उसी बंदे को वेटर का काम करना है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि वो सब कुछ एफिशिएंटली कर ले? या तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा फूड की, या फिर वेटर से जो भी आप सर्विसेज एक्सपेक्ट करते हो आपको वो अप टू द पॉइंट नहीं मिलेंगी। तो वही रीज़न है कि हम लोगों को कई सारे जो बेसिकली टेक्निकल पॉइंट्स हैं उन्हें इन्वॉल्व करना होता है अपने अकाउंटिंग सिस्टम में भी, जिससे हमें एफिशिएंसी अचीव हो। तो इसमें जो आपके स्टडी मटेरियल में एग्जांपल दिया है उसी के साथ में डिफरेंशिएशन किया है कि हमें क्यों रिक्वायर्ड है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो डोमेन एक्सपर्टीज़ के लिए वही जो मैंने कहा कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, मतलब एक्सपर्टीज़ होगी। अब कुक क्या है, खाना बनाने में एक्सपर्ट है, ज़रूरी नहीं है कि उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी अच्छे हों। लाइक एक वेटर होता है तो कैसा होता है, वेल ड्रेस्ड मैन होता है, वो आपसे आके पोलाइटली पूछता है ना। तो वो सारी कुछ स्किल्स होती हैं जो कि एक वेटर में होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है जो उसमें हो, कुक में हो। तो जो कुक एक्सपर्ट है किसमें, क्वालिटी में, खाने बनाने में एक्सपर्ट है, एंड जो वेटर एक्सपर्ट है वो किसमें, कम्युनिकेशन में। सो उससे क्या होता है, अगर हम दोनों की ड्यूटीज़ को सेपरेट कर देते हैं तो एक्सपर्टीज़ आ जाता है। तो इसी तरह से जो फ्रंट एंड है वो क्या है, वो बना ही इसलिए कि वो यूज़र्स की रिक्वेस्ट को ले सके। एंड बैक एंड क्यों बना है, बैक एंड बना है जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन को एफिशिएंटली स्टोर कर सके एंड हैंडल कर सके। हमें ये सारे दिखते नहीं हैं, बट ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही अंदर इनबिल्ट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अपनी वर्किंग करते हैं। फिर उसके बाद में प्रेजेंटेशन, वेटर जो है वो अपने आप को प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकता है, फूड को अपने आप को भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है बेटर वे में एंड फूड को भी। बट ज़रूरी नहीं है कि जो कुक है वो अपने आप को भी अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि वो साफ़ सुथरी तरह से ही रहे। किचन में काम करने स्टेन्स लग सकते हैं उसके कपड़ों पे, बट वेटर को क्या करना होता है, वेटर को सिर्फ बना बनाया फूड ही तो पहुँचाना होता है, तो इसलिए वो वेल ड्रेस्ड रहते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर हम इसको सॉफ्टवेयर की उसमें देखें, सॉफ्टवेयर के अंदर में देखें फ्रंट एंड बैक एंड में, तो फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड बना है इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र के साथ में। अब वो क्या इंटरेक्ट कैसे करता है, प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर फॉर्मेट में, डिफरेंट कलर्स में एंड बोल्ड इटैलिक लेटर्स में, टेबल्स में, चार्ट्स में, जिससे कि इंटरेक्शन करते टाइम, मतलब जब वो रिपोर्ट कम्युनिकेट करता है यूज़र को, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स एंड ये सब यूज़ करता है। क्यों करता है, जिससे कि जो आपका यूज़र है उसको एक अच्छी प्रेजेंटेशन मिले एंड वो उस रिपोर्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। बट ऑन दी अदर हैंड जो बैक एंड है वो इस काम के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टोर करने के लिए है एंड फर्दर पास करने के लिए है डेटा को। फिर उसके बाद में यूज़र एक्सपीरियंस, जो वेटर है वो प्रोसेस फूड के साथ डील करता है, रॉ मटेरियल के साथ नहीं करता है। तो मतलब एक वेल ट्रेंड वेटर है वही एक वेटर की तरह काम करना चाहिए, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ कुक। होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिजायर्ड फूड फ्रॉम ऑर्डरिंग टू बिलिंग शुड बी स्मूथ एंड यूज़र एक्सपीरियंस शुड बी वेरी गुड। तो मतलब ये है कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, एंड उसके लिए जो आपकी प्रोसेसिंग है दैट शुड बी वेरी गुड। तो इसलिए हम ये उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुक से। अगर हम इसको उसमें देखते हैं सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट में, तो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर शुड गाइड अ यूज़र टू द डिज़ायर्ड रिपोर्ट और फीचर। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर हैंडल्स प्रोसेस डेटा एंड नॉट रॉ डेटा लाइक बैक एंड। फ्रंट एंड क्या करता है, वो रॉ मटेरियल नहीं करता है। अगर आप खुद ही सोचो, जो आपके पास में सब्ज़ी आ रही, खाना आ रहा है, वो अगर आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है ऐसी, या फिर जैसे दाल होती है या वेजिटेबल्स होती हैं, उसको प्रॉपरली वॉश करना होता है, तभी तो आपके पास में प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, तभी तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। अगर आपको दे दिया जाए कि रॉ मटेरियल लीजिए, पहले इसको साफ़ कर दीजिए, उसके बाद में हम आपको बना के दे देंगे खाना, तो क्या आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली नॉट। तो यूज़र को क्या चाहिए, जब आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे बना बनाया खाना मिले एंड साथ ही में मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो। तो इसी तरह से अगर आप यूज़र हो एक
अकाउंटिंग सिस्टम को आप ऑपरेट कर रहे हो एंड आपको सारा जो भी डेटा है वो खिचड़ी बना हुआ मिले, आपको सब कुछ बहुत ही मिक्स सा मिले, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो क्या आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली नॉट. तो वही फ्रंट एंड का काम है कि वो क्या करेगा, शुड गाइड अ यूज़र टू द डिज़ायर्ड रिपोर्ट और फीचर. जैसा कि रिपोर्ट चाहिए यूज़र को, उसी तरह से फ्रंट एंड का काम है उसको गाइड करना. फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर हैंडल्स प्रोसेस डेटा एंड नॉट रॉ डेटा लाइक बैक एंड. जो बैक एंड है उसके पास में सारा रॉ डेटा होता है, बट उसको प्रोसेस करके यूज़र को रिप्रेजेंट करना इज़ दी वर्क ऑफ फ्रंट एंड. So user interface of the front end software needs to be intuitive. That is, minimum use of help should be sought by user. मतलब user को ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, user को सिर्फ और सिर्फ उसको समझना पड़े. तो इसका experience great बनाने के काम किसका होता है? Front end का. स्पीड की अगर हम बात करें तो जो प्रोसेसिंग के बाद में क्विक डिलीवरी एक्सपेक्ट करता है, मतलब कस्टमर तो ये कहता है कि अभी मैंने ऑर्डर किया, अभी खाना आ जाए, बट भैया थोड़ा टाइम तो लगता ही है खाना बनने में. एंड उसके बाद में भी अगर सेम पर्सन ने खाना बनाया है एंड उसके साथ ही में वही अगर डिलीवरी करेगा खाने की, मतलब आप तक पहुँचाएगा किचन से लेके, तो उसको टाइम तो लगेगा ही. तो उससे क्या होगा, स्पीड जो है वो वर्क की स्लो हो जाएगी. जैसे घर में आपकी मम्मा खाना बनाती हैं, अगर सर्व आप खुद कर लेते हो तो उनको ईजी रहता है, एंड अदरवाइज़ क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है. या तो खाना बना लेंगी या फिर क्या कर लेंगी, सर्व कर लेंगी. तो वही है, स्पीड को मेंटेन करने के लिए अगर जो आपका फ्रंट एंड है वही सारा का सारा स्टोर करता, फिर वही प्रोसेस करता, तो उससे क्या होता, स्लो हो जाती है स्पीड. तो इसलिए सेपरेट बैक एंड सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर हैंडलिंग डेटा ओनली. दिस रिड्यूसेस द लोड एंड इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस. तो जैसे कि हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो, इसलिए भी हम लोगों ने इसको सेपरेट कर दिया है. फिर लैंग्वेज जो है, जो आपकी कुक की लैंग्वेज है, वो ज़रूरी नहीं है कि कुक हो सकता है कि कोई और लैंग्वेज बोलता हो, लेकिन वेटर की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो वैसी होनी चाहिए जो वो ईजिली कम्युनिकेट कर पाए विद इट्स कस्टमर, मतलब रेस्टोरेंट के कस्टमर्स के साथ में. तो इसी तरह से जो फ्रंट एंड है वो स्पीक करता है उस लैंग्वेज में जो यूज़र को समझ में आए, एंड साथ ही में जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है, एंड साथ ही में जो बैक एंड की लैंग्वेज है उसको भी अंडरस्टैंड करें. मतलब एक वेटर है वो, उसको कुक की लैंग्वेज भी समझ आनी चाहिए एंड कस्टमर की. सिमिलरली फ्रंट एंड को भी बैक एंड की भी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए एंड यूज़र की भी. बैक एंड जो है वो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज ही बोलता है, लेकिन फ्रंट एंड क्या करता है, उस टेक्निकल लैंग्वेज को एक प्रोसेस फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट करता है जिससे कि वो एक लेमैन को भी समझ में आए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रंट एंड एंड बैक एंड. मैं इस वीडियो को प्लीज़ थोड़ा शॉर्ट ही रखना चाहती हूँ, बिकॉज अदरवाइज फिर वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा. ऑल दो आई थॉट कि मैं ये सारा करा दूँगी, बट आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल. तो प्लीज़ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी एंड आई होप यू ऑल विल कोऑपरेट. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड या प्लीज़, अगर आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो फर्स्ट चैप्टर, देन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. उसको प्लीज़ 5 to 10 minutes तो डेली देना ही है, राइट? ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.